नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रिया अजवेज किचन में। गर्मी आ गई है तो गर्मी में हम को खाने का बहुत मन नहीं होता है। जो भी मन होता है, मन करता है कुछ अच्छा ठंडा ठंडा कूल कूल पिए। तो हम गर्मी में ज़्यादातर लस्सी या शेक या तरह तरह की बेवरेजेस बनाकर पीना चाहते हैं। तो आज मैं आपके सामने वही लेकर आई हूँ। आज जो रेसिपी लेकर आई हूँ मैं, वो ऑरेंज शेक का है। आज मैं आपको ऑरेंज शेक बनाकर दिखाऊंगी। ये बहुत ही कम चीज़ों से और बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाता है। तो चलिए फिर हम बनाना शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये ऑरेंज आज हम बनाने जा रहे हैं ऑरेंज शेक। जैसा कि हमने बताया कि आज ऑरेंज शेक बनाएंगे। गर्मी आ गई है तो इसमें कुछ ठंडा ठंडा कूल कूल खाने का या पीने का बहुत मन करता है। या हमारे घर कोई मेहमान आ जाए तो उनको भी हम ऐसा ही कुछ ठंडा सर्व करते हैं। तो आइए आज हम दिखाते हैं ऑरेंज शेक बनाना। तो ये ऑरेंज है जिसे हमने इसका ऊपर का छिलका निकाल कर और इस तरह के अंदर का ये पल्प निकाल कर रख लिया है हमने। ये एक ऑरेंज का पल्प है और ये एक कटोरी चीनी यानी कि 100 ग्राम चीनी है और ये 1 लीटर दूध और ये 2 चम्मच ये कस्टर्ड पाउडर है। तो चलिए फिर हम बनाना शुरू करते हैं। हम ये दूध कुछ डाल देंगे, गैस पर रख देंगे। इसके बाद इसको हल्का गुनगुना होने देंगे। गुनगुना होने के बाद इसको, जैसा कि हमने पहले भी एक वीडियो में बताया हुआ था कि कस्टर्ड को कभी भी डायरेक्ट गैस के ऊपर नहीं मिलाने की कोशिश करिएगा, नहीं तो उसकी गांठें बन जाती हैं। तो हम इसको दूध जब गुनगुना हो जाए तो हम इसको घोल कर रख लेंगे। दूध हमारा गुनगुना हो गया है, अब हम इसको थोड़ा सा निकाल लेंगे और इसके बाद ये कस्टर्ड पाउडर इसमें डालकर घोल लेंगे। इसमें हमने वेनिला कस्टर्ड यूज़ किया है। आप चाहे तो स्ट्रॉबेरी या और भी बहुत से फ्लेवर में आते हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। इसको हम इस तरह से घोल लेंगे। पहले भी हमने एक वीडियो में ये कस्टर्ड के बारे में आपको बताया था, फिर से बता रही हूँ कि कस्टर्ड को गैस पे डायरेक्ट नहीं घोलते हैं, नीचे ही इसको घोल लेते हैं। ये हमारा घुल गया है वेनिला कस्टर्ड। दूध में उबाल आ जाए इसके बाद हम इसमें ये मिला देंगे। ये दूध में हमारा उबाल आ गया है, अब हम इसमें ये कस्टर्ड, आप देख सकते हैं ये दूध बिल्कुल खौल रहा है। अब हम इसमें ये कस्टर्ड को मिला देंगे। और इसको फिर लगातार चलाते हुए थोड़ा पका लेंगे। कस्टर्ड को लगातार चलाना होता है, नहीं तो ये नीचे तली में अगर बैठ जाए इसका टेस्ट बहुत ख़राब हो जाएगा, इसलिए हमको लगातार चलाना होता है। लगातार चलाते हुए हम 5 मिनट में के लिए पकाएंगे। और ये बहुत ही कम चीज़ से हम बना लेते हैं और इतना टेस्टी शेक ये लगता है कि आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाने का मन करेगा आपको। इतना इजी और इतना क्विक बनता है। एक बार इसको बस इस मिश्रण को तैयार कर लें और तैयार करने के बाद इसको फ्रिज में ठंडा करें और ठंडा करने के बाद 1 से 1.5 घंटे में ये बिल्कुल ठंडा ठंडा कूल कूल ये शेक बिल्कुल तैयार हो जाता है।
ये देखिए हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। इसको नीचे गैस से नीचे उतार कर इसको रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। उसके बाद हम इसको 2 घंटे के लिए इसको हम फ्रिज में रखेंगे। उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। अभी ये हमारा हो चुका है, आप देख सकते हैं ये हो गया है हमारा। गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। ये गैस का फ्लेम बंद करके अब हम इसको ये देखिए बिल्कुल इसी कंसिस्टेंसी में बनाएंगे हम। देखिए ये आप देख सकते हैं, क्योंकि इसको फ्रिज करने के बाद ये थोड़ा और गाढ़ा होगा, इसलिए इसको ज़्यादा थिक नहीं करना है, बस इस तरह का ही बनाना है। चलिए अब हम इसको गैस का फ्लेम बंद कर दिए हैं। अब हम इसमें ये शुगर मिला लेंगे। पहले के भी वीडियो में हमने बताया था कि गैस का फ्लेम बंद करके और तब शुगर मिलाएं। अभी चलाते हुए हम इसको चीनी घुलने तक हम इसको मिलाएंगे। ये हमारा चीनी भी बिल्कुल घुल चुका है। अब हम इसको रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। उसके बाद हम इसको फ्रिज में रख देंगे 2 घंटे के लिए। उसके बाद हम सर्व करेंगे। तो चलिए फिर इसको फ्रिज में रखिए। हमारा बिल्कुल ठंडा हो चुका है, तो अब हम सर्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे ये ऑरेंज के कुछ टुकड़े। ये बिल्कुल इस तरह से, और इसके बाद डालेंगे हम ये इस तरह से डाल दिए शेक, और ऊपर से डालेंगे हम फिर ये थोड़ा थोड़ा, ये बिल्कुल इस तरह से करके हम रख लेंगे ये। बिल्कुल इस तरह से अभी बिल्कुल तैयार है ये ठंडा ठंडा कूल कूल ये ऑरेंज शेक हमारा। इसके ऊपर से डालेंगे हम ये ऑरेंज का पल्प डाल चुके हैं। इसके ऊपर से डालेंगे एक की आइस क्यूब। अब ये तैयार है हमारा, बिल्कुल रेडी है हमारा। तो चलिए फिर आप ऑरेंज शेक एंजॉय कीजिए। मिलते हैं फिर अगली रेसिपी के साथ।